हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोना आपकी फिजियो फ्रेंड एंड पेन डिसऑर्डर एक्सपर्ट वेलकम करती हूँ आपका मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बीइंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 20 इयर्स, आई हैव सीन बहुत सारे नी पेन के पेशेंट्स हमने अपने क्लिनिक में और हॉस्पिटल्स में देखे हैं। तो दोस्तों, नी पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसके रीजंस डिफरेंट होते हैं, बट अगर इसको केयर नहीं किया जाए और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आप जानते हैं कि कितना पेनफुल होता है। तो दोस्तों, हमारे क्लिनिक पे हमने लेटेस्ट एक नी पेन का पेशेंट ट्रीट किया है, जिसको हमने डायग्नोज किया था इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेन, यानी कि आईटी बैंड सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या कहती है वो हमारे क्लिनिक के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और उनका व्यू जानते हैं। आई एम सपना, मैं एक टीचर हूँ और मेरे कुछ दिन पहले नीज में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हुआ। देन पेन इतना बढ़ गया कि मेरे से खड़े भी होना मुश्किल हो रहा था। मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर मोना का चैनल देखा, उनसे बात करी, उनकी क्लिनिक पे जाकर मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया, स्टार्ट करा, तो जस्ट विद इन वन सिटिंग मेरे को बहुत ज्यादा 50% बेटर हो गया पहले से। और आफ्टर 4-5 डेज मेरी जो है पेन बिल्कुल खत्म हो गई, बट लगता भी नहीं था कि पेन है। और उसके बाद अभी मैं जो एक्सरसाइज सेशन ले रही हूँ मैम से, जो जिससे कि मेरी मसल स्ट्रांग हो, नीज की स्ट्रेंथ बढ़े, तो मुझे बहुत ही एक चीज बहुत अच्छी लगी इस क्लिनिक में कि मैम सैनिटाइजेशन का, कोरोना टाइम में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखकर बार बार बेड सैनिटाइज करके सब कुछ अच्छे से करवाते हैं। और एक्सरसाइजेस से मुझे लग रहा है अपने आप में कि मेरी जो है स्ट्रेंथ मसल्स की शुरू होगी बढ़नी, एंड आई एम मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। थैंक यू सो मच सपना फॉर गिविंग योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। एंड इन वन वर्ड, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट आवर क्लिनिक एंड ट्रीटमेंट? गुड, बेटर, बेस्ट और एक्सीलेंट? फॉर मी इट इज द बेस्ट क्लिनिक for therapy, for treatment, for all, and you are the best doctor. Oh, thank you so much.